नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। यूपी विधान परिषद में हंगामा। जी हाँ, यूपी विधान मंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है और ऐसे में सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सदन संचालन में पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया था। हालांकि 5 दिनों वाला ये सत्र भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान का गवाह बन सकता है। कोविड, महंगाई, किसान आंदोलन, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। ऐसे में आज से सोमवार को सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी की थी और साथ ही सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। अध्यक्ष ने सदन में सकारात्मक और गुणवत्तापूर्ण चर्चा के लिए दलीय नेताओं के सहयोग की अपेक्षा की थी। वहीं बैठक में बता दें, सीएम योगी ने कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। सीएम ने कहा था कि संसदीय परंपरा के अनुरूप साल में 3 बार विधानमंडल की बैठक नियम है और ऐसे में सरकार की ओर से कोरोना महामारी के बावजूद भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। यूपी में कोरोना नियंत्रण में है और अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए सतर्कता और बचाव जरूरी है। वहीं बता दें, विपक्ष ने सहयोग का आश्वासन देते हुए अल्पकालीन सत्र को लेकर सरकार को घेरा और साथ ही सपा नेता नरेंद्र वर्मा, कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना और बीएसपी नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली और एसबीएसपी नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की थी। लेकिन ऐसे में आज जब सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष का हंगामा पहले ही भारी देखने को मिल गया। हालांकि सत्र की कार्यवाही भी थोड़ी देर बाद चलने के बाद स्थगित कर दी गई थी और ऐसे में विपक्ष ने आरोप लगाया कि कोरोना संक्रमण की आड़ लेकर सरकार जनता के ज्वलंत मुद्दों से मुंह चुरा रही है। वहीं बता दें, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें उक्त नेताओं के साथ संसदीय कार्य मंत्री सुरेश ना अपना दल एस की नेता डॉक्टर लीना तिवारी मौजूद रही थी और ऐसे में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यानी कि कल 18 अगस्त को सरकार अनुरूपक बजट सदन में पेश करेगी और जबकि 19 अगस्त को चर्चा के बाद सरकार उसे पास भी कराएगी। बता दें, पहले 19 अगस्त को सदन की बैठक होनी थी लेकिन सरकार ने प्रस्तावित कार्यक्रम में दूसरी बार संशोधन कर उसे सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में रखा, जिसे मंजूरी दे दी गई थी। इसके साथ ही अब फिर मॉनसून सत्र में 5 दिन बैठकें होंगी और ऐसे में कार्य मंत्रणा समिति में मंजूरी के बाद अब सत्र के पहले दिन यानी कि 17 अगस्त आज को सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया गया और ऐसे में 18 अगस्त यानी कि कल को पूर्व सदस्यों के निधन की सूचनाओं के साथ विधायी कार्य भी किए जाएंगे और कल ही दोपहर 12:30 बजे योगी सरकार इस साल का पहला अनुरूपक बजट भी सदन में पेश करने वाली है। वहीं अगर 19 अगस्त की बात कर ली जाए तो 19 अगस्त को अनुरूपक बजट पर चर्चा होगी और मांगों पर भी विचार के बाद सरकार उसे सदन में पास कराएगी। हालांकि आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से विपक्ष का हंगामा जो है वो विधानमंडल के बाहर देखा गया और बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू साफ तौर पर हंगामा करते हुए नजर आए और तमाम पार्टी वहां पर हंगामा करते हुए नजर आई थी। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, आज से विधानसभा सत्र का पहला दिन शुरू हुआ है, पहले दिन कार्रवाई किस तरह से हुई और कितनी देर तक कार्रवाई चली और किन किन मुद्दों पर हंगामा हुआ? देखिए, शुरुआत तो थोड़ी बहुत शुरुआत अच्छी हुई थी, शांति से हुई थी। तो बता दें, आज से यूपी में विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हुआ है लेकिन उससे पहले ही विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला। हालांकि कल सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें विपक्ष ने कहा था कि वो सदन की कार्रवाई चलने देगी और कोई भी किसी भी तरह का हंगामा नहीं करेगी और भरोसा दिलाया था कि संचालन पूरी तरह से सत्र का कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही सत्र की कार्रवाई शुरू होती, उससे पहले ही बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम पार्टियों के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। हालांकि पहले से ही विपक्ष जो है वो पूरी तरह से तैयार था सरकार को घेरने के लिए। विपक्ष ने पूरी तरह से पहले ही रणनीति बना ली थी, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो या यूपी में कानून व्यवस्था हो, महंगाई हो, ये तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर
विपक्ष जो है वो पहले से ही रणनीति बनाकर तैयार था कि इन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, और इसीलिए सत्र शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सत्र की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। और उसके बाद उससे पहले ही विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं किस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, और ऐसे में हंगामा जो है विपक्ष का लगातार देखा जाता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। हालांकि संसद का भी मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, जुलाई से लेकर अगस्त तक शुरू चला था संसद का मॉनसून सत्र। ऐसे में लोकसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला था। हर दिन आए दिन विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा था, और जब आज से यूपी का विधानसभा सत्र शुरू हुआ है तो वहां पर भी एक बार फिर से विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाह जुड़ चुके हैं। अश्वनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। आज जिस तरह से विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हुई, उसे देखते हुए विपक्ष ने जो है वो हंगामा पहले से ही शुरू कर दिया था। हालांकि कार्रवाई का विपक्ष ने भी इंतजार नहीं किया, हंगामा बाहर ही देखा गया। इस तरह से किस तरह आपकी सरकार काम करेगी? देखिए, विपक्षी लोगों ने संसद को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, संसद में किस तरीके से विपक्षी दलों ने कांड किया, पूरा संसद सत्र का एकदम से कोई काम नहीं होने दिया, करोड़ों रुपए जो जनता के टैक्स से बर्बाद किया। आज उत्तर प्रदेश में वही लोगों ने हंगामा किया और जो भी रिजल्ट है सब सामने है। इन लोगों को तथ्यों पर कोई बहस नहीं करनी है। सरकार ने एक इनको कहा था, दिल्ली में भी कहा था कि हम लोग बहस करने के लिए तैयार हैं, हम लोग आप आइए, लेकिन देखिए जनता से जुड़े मुद्दों का इनके साथ कोई सरोकार नहीं है। ये लोग जनता को छलने का काम करते हैं, और अचानक जिस दिन सरकार ने एक बिल पास किया आरक्षण का, उस दिन इन लोगों ने देखा ये तो वोट बैंक हमारा खिसक जाएगा, तो सबने मौन समर्थन कर दिया। तो ये इससे इनकी वास्तविकता जाहिर हो गई कि असली सच्चाई क्या है, और वही उत्तर प्रदेश से ये लोग करने जा रहे हैं। जी, जिस तरह से देखा जाए लगातार विपक्ष जो है आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, चाहे वो लोकसभा में भी देखा जाए राज्यसभा में भी देखा जाए, लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा गया था, और यही रणनीति शायद एक बार फिर से विधानसभा सत्र में भी देखी जाएगी। तो किस तरह से आप देखते हैं और आप लोगों की क्या रणनीति है कि कैसे आप सत्र के दौरान अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को घेरे, सरकार से मुद्दों पर सवाल करे, क्योंकि विपक्ष उसी के लिए है, सत्ता पर जवाब देने के लिए बैठा हुआ है। जी, मगर आप एक गप सोच कर बैठेंगे कि हम कोई कार्यवाही नहीं होने देंगे, कोई चर्चा नहीं होने देंगे, तो सरकार कैसे जवाब देगी? जब जवाब सुनने का मतलब नहीं है कहीं, तो जब किसको सरकार सुनाएगी? तो विपक्ष का एक सीधा सीधा लक्ष्य है कि कोई इनके पास तथ्य नहीं बचे हैं, कोई इनका जनता से सरोकार नहीं बचा है, तो केंद्र में मोदी सरकार का विरोध है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का विरोध है, और इसी ये सब कुछ जनता देख रही है। आने उत्तर प्रदेश में तो 22 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, विपक्ष को जनता सबक सिखाएगी। जी, लेकिन अश्वनी जी, अगर देखिए विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, अगर दोनों ही पार्टियां इस तरह से लड़ती हुई नजर आएंगी, इस तरह से बात जो है वो सत्र के दौरान नहीं हो पाएगी, तो जनता के मुद्दे को कहां उठाए जाएंगे, जनता के मुद्दों पर कब बातचीत होगी? सरकार तो हमेशा तैयार है जनता के मुद्दे उठाने के लिए, चर्चा तो कोई करे, सरकार तो प्रस्ताव दे, और जो संसदीय परंपरा होती है उसका तो निर्वहन किया जाए। लेकिन इन लोगों ने तो संसदीय परंपरा को साकार करने का काम किया है, और कोई भी देश तुष्टीकरण की राजनीति है, ये लोग अपने वो पुराने घरों को भूल कर कि भाई हमको देश प्रदेश के देश के विकास के लिए काम करना चाहिए, उस पर अगर चर्चा होगी तो उसका हल निकलेगा। सरकार तैयार है, सरकार हमेशा कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
लेकिन ये लोग खुलने को तैयार नहीं है। तो सरकार के सामने जो भी मुद्दे आएंगे, सरकार अपना बिल पास करेगी, सरकार अपना काम करेगी, प्रदेश की जनता के लिए हम बेहतर काम करते ही रहेंगे। जी, लेकिन अश्वनी जी, जिस तरह से देखा जाए, अब मेन जो निकल कर सामने आ रहा है वो सबसे ज्यादा यूपी में जनसंख्या कानून को लेकर पिछले काफी लंबे समय से बहस जारी है, और ऐसे में तमाम राज्य भी इस पर चर्चा कर रहे हैं और जो है सियासत भी इस पर काफी नजर होती हुई दिख रही है। लेकिन ऐसे में जब बिल पास होगा, पेश होगा, तो किस तरह से आप इसे पास कराएंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष पहले से ही इस पर हंगामा कर रहा है, तो किस तरह से इसे पास कराया जाएगा? बिल पास करना उत्तर प्रदेश में जो है उसकी तैयारी हो गई है, जनता की राय ली जा रही है, विधिक आयोग के पास सारे उसमें जो सुझाव और सुधार के लिए जाएंगे, वो बिल की शक्ल में आएगा। अब उत्तराखंड की सरकार की तैयारी कर रही है। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या जो है वो जनसंख्या है, और हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, 23 करोड़ 24 करोड़ की जनसंख्या हमारी भारी समस्या है। ये बिल सबके लिए लाभप्रद है, और ये चीजें अगर आज मैं कहता हूँ, फिर से कहता हूँ कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा समय तक इस देश पर राज किया। अगर ये लोग इस पर कोई कानून बनाए होते, जो हम दो हमारे दो का नारा इन्होंने दिया, उसको कानून बनाकर अमली जामा पहनाया होता, आज ये समस्या नहीं होती। इन लोगों ने सिर्फ एक जो है फुजली छोड़ने का काम किया, कभी कोई मतलब कांक्रीट काम नहीं किया। आज मोदी सरकार और योगी सरकार कांक्रीट काम कर रही है, इसलिए हम लोग इसको बिल को लेकर आएंगे, कोई तुष्टिकरण नहीं है, सबके सहयोग से, सबके प्रयास से ये बिल पास होगा। जी चलिए अश्वनी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से यूपी विधान मंडल का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला है। हालांकि कल भी सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें विपक्ष ने सदन संचालन में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया था, लेकिन उसके बाद भी तस्वीरें इस तरह की सामने आई कि अजय कुमार लल्लू भी सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, सपा कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। हालांकि बता दें, 5 दिनों तक चलने वाला ये सत्र भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान का गवाह बन सकता है, क्योंकि कोविड हो गया, महंगाई और किसान आंदोलन, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था सहित तमाम ऐसे यूपी में मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पहले ही बना चुका है। हालांकि सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्ष ने यह जरूर कहा था कि वो संचालन में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आज बाहर सड़कों पर अजय कुमार लल्लू और सपा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखा गया था। तो बता देते हैं, आज से विधानमंडल का ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, और इससे पहले ही विपक्ष का एक जोरदार हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस हो, सपा हो, तमाम कार्यकर्ता वहां पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और ऐसे में जो है वो सबसे ज्यादा जनता की बात जो है वो नहीं उठती है, और ऐसे में तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरती है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जुड़ चुके हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़वर्ल्ड इंडिया पर। जिस तरह से आज विधानमंडल का ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, लेकिन कार्रवाई भी शुरू नहीं हुई, उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी का इस तरह से प्रदर्शन सड़कों पर देखा गया, किस तरह से ये आगे की कार्रवाई चल पाएगी अगर लगातार कांग्रेस इसी तरह से प्रदर्शन करती रहेगी तो? नहीं, देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है जी, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश का नौजवान इंतजार कर रहा है कि उसे नौकरी मिले, रोजगार मिले। किसान चाहते हैं कि उनका गन्ने का MSP बढ़ाया जाए। सरकार किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर आप नहीं सुनना चाहते। नौजवान लखनऊ में प्रदर्शन कर रहा रोजगार के लिए, यानी वो अलग अलग जिलों से प्रदेश की राजधानी में आ गए, और भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में इतना ज्यादा चूर है कि वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही। अरे, प्रदेश के नौजवान आए हुए राजधानी में, मुख्यमंत्री जी उनसे मिल लीजिए, शिक्षा मित्रों से मिल लीजिए, अनुदेशकों से मिल लीजिए,
लेकिन आपको समय कहाँ, आप तो विधानसभा में जब इतनी महत्वपूर्ण कार्रवाई चल रही है तब तो आप सो रहे हैं जी। लेकिन अंशु जी, अगर इसी तरह से प्रदर्शन किया जाएगा तो जनता की बात जो है वो किस तरह से उठेगी, क्योंकि चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष के लोग हो, अगर इसी तरह से बहस करते रहेंगे और आपस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो जनता की बात कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी जनता की ही आवाज उठा रही है। हाथरस में जब उस महिला को 2:30 बजे रात को जला दिया गया, वो भी जनता की आवाज थी। प्रदेश के नौजवान सड़क पर है, रोजगार मांग रहे हैं, वो जनता है। किसान 8 महीने से दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ है, गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपए बाकी है, MSP नहीं बढ़ाई गई, जनता की आवाज है। और जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो इस तरीके से आवाज उठानी पड़ती, हम आवाज उठाते रहेंगे। जनता की आवाज दबने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी तानाशाही कर ले। बिल्कुल, लेकिन अंशु जी देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इसी तरह से आवाज जनता की उठाते रहेंगे, लेकिन हल इसका कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। आप बेशक इस तरह से जनता के मुद्दे उठा सकते हैं, जनता की आवाज उठा सकते हैं, उनकी बात उठा सकते हैं, लेकिन क्या इसका हल निकल पाएगा इस तरह से? क्योंकि लगातार देखिए, तानाशाही में चूर है जी, सत्ता का अहंकार हो गया भारतीय जनता पार्टी को, और जातिवादी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ को ये लगता है, जो संसद में रो रहे थे उनको ये लगता है कि अब वो सत्ता से जाने वाले नहीं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, ये भारत का लोकतंत्र है, 2022 में जनता इनकी विदाई करने जा रही, इनकी विदाई यात्रा निकालेगी। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, आपको वो दिखाई नहीं देते? आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे, लोगों का मजाक उड़ा रहे, आप लोगों को चिढ़ाने के लिए निकल रहे। अंशु जी, लेकिन किसानों से सरकार ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद भी किसान जो है, किसान तैयार नहीं है। सरकार तो लगातार जो है पहल करती हुई नजर आई। प्रदेश की जनता ने सरकार को चुना है, लोकतंत्र में जो सरकार है वो जनता की नौकर है। आप बिना जनता की राय के मुकदमे उन पर ये कानून थोप देंगे? देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कानून बनाने के लिए नहीं, कानून निरस्त करने के लिए आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अंशु जी, अगर इसी तरह से आंदोलन और प्रदर्शन होते रहेंगे, हंगामा होता रहेगा, तो इसका क्या कोई हल निकलेगा? ये क्या कोई समाधान है कि किसी भी बात को लेकर आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसी से हल निकलेगा? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष की आवाज सुने। विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा, विपक्ष भी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। अगर वो जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते, विपक्ष की बात नहीं सुनना चाह रहे, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार तय करे, सरकार सुनिश्चित करे, सरकार बात नहीं करना चाहती है। लेकिन अंशु जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगी, क्यों विपक्ष को अक्सर जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी जनता के मुद्दे याद आ जाते हैं? उससे पहले चाहे जनता के साथ कुछ भी हो, कोई भी मुद्दे हो, उसे तब कोई नहीं उठाता, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ जाते हैं तो हर किसी को जनता के मुद्दे दिखने लगते हैं। देखिए, आपका आकलन है, 4.5 साल से जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद जो सबसे पहली घटना हुई थी, 21 जून 2017 को रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, उन्हें जला दिया गया जी। उसके बाद BRD अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हो गई। अगर कोई सड़क पर था, प्रदर्शन कर रहा था, मांग कर रहा था, तो वो कांग्रेस पार्टी थी, श्रीमती प्रियंका गांधी थी। दूसरी बात मैं बता दूं जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी विपक्ष में अकेली ऐसी नेता हैं जो सोनभद्र से लेकर बनारस, आजमगढ़, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, हर जगह उन्होंने जमीन पर उतरकर लोगों की आवाज को मजबूत करने का काम किया है। मुझे आप बताइए, कोई दूसरा नेता मुझे बताइए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जो गया हो, हाथरस कौन गया था? प्रियंका गांधी जी गए थे, राहुल गांधी जी गए थे। ये जो सारा झूठ फैलाया जा रहा है, अब प्रदेश का जनमानस जान चुका है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सदन को सुनिश्चित करे चलाना। अगर वो जनता की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, शिक्षा मित्रों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, किसानों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, 69,000 शिक्षकों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन अंशु जी, सरकार तो तभी बात कर पाएगी ना जब विपक्ष हंगामा नहीं करेगा। अगर विपक्ष इसी तरह से सरकार को कार्रवाई नहीं करने देगा और अपनी बात नहीं रखने देगा तो किस तरह से फिर जो आगे की कार्रवाई की जाएगी? सरकार किस तरह से मुद्दों पर बात करेगी? सरकार कहां मुद्दों पर बात करती है? मुख्यमंत्री जी इतने महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र में सोने के लिए जाते हैं, अब वो उनको बताइए, उनकी नींद में दखल ना हो इसलिए विपक्ष आवाज ना उठाए, ऐसा तो नहीं हो सकता जी।
लेकिन अंशु जी जिस तरह से देखिए लोकसभा हो राज्यसभा हो वहां पर भी देखा था जब अभी संसद का मॉनसून सत्र चला था, एक दिन ऐसा नहीं गया था कि जब विपक्ष ने कार्रवाई ना करने दी हो सरकार को, क्योंकि लगातार विपक्ष का हंगामा इतना था कि एक भी दिन कार्रवाई ढंग से नहीं हुई और लिहाजा नतीजा यही निकला कि स्थगित हो गई थी। दुरुस्त करें, यूपीए 2 की सरकार थी, यही सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता की है, पक्ष की है, सरकार की। आज भी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो जनता की आवाज उठाए जी। लेकिन अब मुझे आप बताइए, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां जिनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, इस 4.5 साल से आवाज कौन उठा रहा है? प्रियंका गांधी जी उठा रही है और उनकी प्रियंका सेना उठा रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? उन्नाव में आपने नहीं देखा, हाथरस में आपने नहीं देखा। जी, आप ये आपकी ये बात सही है कि विपक्ष जो है वो आवाज उठाता है लेकिन सरकार भी पीछे नहीं हटती, सरकार भी उसका संज्ञान लेती है उतना ही। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार नहीं दे सकती जो सरकार, और वो लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहती, उनको उनके बदले लाठी और मुकदमे देती है, तो मजबूरन हमको विपक्ष में इसी तरीके से आवाज उठानी पड़ेगी। हम आवाज उठाने से पीछे हटने वाले नहीं। लेकिन अंशु जी, ये बात ठीक है, आवाज उठाना ठीक है और आप उठाएंगे भी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए करता है? महोदया, मोहतरमा, कभी सरकार से भी सवाल कर लीजिए कि आखिर आवाजें क्यों उठ रही हैं। अंशु जी, हम सवाल सरकार से भी करते हैं, जो सवाल हम आपसे कर रहे हैं सरकार से भी पूछते हैं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं, कभी सरकार से भी सवाल करिए, हिम्मत करिए। अंशु जी, मैं पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आप यहाँ पर नहीं बताएंगे सवाल किससे करना है, हम सरकार से भी यही सवाल करते हैं। सवाल करिए, मीडिया स्वाभाविक विपक्ष होता है, सरकार से सवाल करिए। अंशु जी, हम सरकार से भी सवाल यही करते हैं अब, लेकिन आप जिस तरह से आपके कार्यकर्ता, आपकी पार्टी जिस तरह से हंगामा करती है, सरकार को कार्रवाई नहीं करने देती, जब जनता के मुद्दे तो तभी उठाए जाएंगे, तभी उठेंगे जब वो कार्रवाई करने देगा विपक्ष। अगर इसी तरह से हंगामा होता रहा, और ये बात आपको भी पता है कि कितना खर्च इसमें होता है हर चीज में हर दिन, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से अगर विपक्ष हंगामा करता रहेगा तो किस तरह से सरकार भी काम करेगी? अंशु जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अंशु जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अंशु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, या फिर जब हमने तीखे सवाल अंशु जी से किए तो उन्होंने फोन काट दिया। तो देखिए, विपक्ष जो है जनता की हितैषी कांग्रेस बनती है और ये कहती है कि हम महिला सुरक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन जब आज कांग्रेस से सवाल किया गया तो वो इस तरह से भागती हुई नजर आ रही है। सिर्फ कांग्रेस को हंगामा करना ही आता है अक्सर, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, चाहे वो कोई मुद्दा हो, हर वक्त कांग्रेस सिर्फ जो है हंगामा करने से पीछे नहीं हटती, और इसीलिए पहले ही विधान परिषद में भी इसी तरह से हंगामा किया गया और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पहले से ही रणनीति बनाए हुए थी। कोविड हो, महामारी हो, किसान आंदोलन हो, बेरोजगारी हो और कानून व्यवस्था हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी थी, और इसीलिए सोमवार को बैठक में कांग्रेस की तरफ से और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा गया था कि हम जो है वो कार्रवाई को चलने देंगे और संचालन में कोई भी बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें जो आज सामने आई वो बेहद ही देखने लायक थी, और अजय कुमार लल्लू को ही देख लीजिए साफ तौर पर किस तरह से वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता देते हैं, कल सर्वदलीय बैठक भी हुई थी जिसमें विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी कहा था, ये बैठक बुलाई थी और उन्होंने कहा था कि सकारात्मक और गुणवत्तापूर्ण चर्चा के लिए दलीय नेताओं से सहयोग की अपेक्षा की जाएगी, और ऐसे में विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा गया था कि हम सहयोग करेंगे, हम कार्रवाई को चलने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आज की तस्वीरें बेहद ही शर्मनाक हैं। जब आपने पहले ही किसी बात को लेकर भरोसा दिलाया था कि आप कार्रवाई में बाधा नहीं डालेंगे, तो उसके बाद बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, विपक्ष का हंगामा देखा गया यहां पर, और ऐसे में
कार्रवाई जो है वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, स्थगित कार्रवाई हो गई और इसीलिए आज से बता दें कि विधानसभा का ये सत्र शुरू हो गया है, विधान परिषद का। और सीएम ने हालांकि कल ही कहा था कि संसदीय परंपरा के अनुरूप साल में 3 बार विधानमंडल की ये बैठक होती है जो कल हुई थी, और इसीलिए कल रणनीति बना ली गई थी कि किस तरह से किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, और इसीलिए विपक्ष ने भी पहले से ही पूरी रणनीति बना ली थी कि किस तरह से वो किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे, और इसीलिए आज ही इसकी वानगी पहले ही देखने को मिल गई थी। जिस तरह से सड़कों पर अजय कुमार लल्लू पैम्पलेट्स लेकर तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, फिर चाहे वो सपा कार्यकर्ता हो वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को एक बार फिर से घेरते हुए नजर आए थे। तो बता दें यूपी विधान परिषद में सरकार वर्सेस विपक्ष देखने के लिए मिला है और यूपी विधान परिषद के अंदर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला और लगातार विपक्ष पहले से ही रणनीति बनाकर तैयार था कि सरकार को किस तरह से घेरना है और इसी की वानगी देखने को लिए मिली थी जब कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और सड़कों पर पैम्पलेट्स लेकर तख्तियां लेकर सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर घेरा था। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कावेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। कावेंद्र, जिस तरह से विधान परिषद में हंगामा देखा गया है और ये हर कोई जानता है कि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने के लिए तैयार रहता है, लेकिन इससे जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा जनता का ही होता है। कहना बहुत आपने सुना होगा कई बार कि सड़क अगर शांत हो गई तो संसद जो है वो आवारा हो जाती है, तरीके की कहावतें हैं जो सियासत में आम है। लेकिन अब ये कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि पारुल ये चलन सा हो चुका है कि ना तो संसद की बात करूं, सदन की बात करूं, विधानसभा की बात करूं, विधान परिषद की बात करूं, हर जगह जो बहस के मंच है जहां जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए वहां पर जनता के मुद्दों की बात तो नहीं होती, लेकिन अब राजनीति चमकाने का बड़ा अच्छा अवसर मिल गया है सबको। अब कार्यकर्ता जो है वो बाहर सड़क पर माहौल बनाते हैं, बाहर सड़क पर अपनी राजनीति पटल बनाते हैं, पूरा मंच सेट करते हैं, और अंदर की बात करूं तो वहां जनता की बातें नहीं होती हैं। जो विपक्ष है वो अपनी राजनीति करता है, जो पक्ष है जो सरकार में है वो अपनी राजनीति करते हैं, जनता के मुद्दों तक तो बहस पहुंचती ही नहीं है। जी बिल्कुल। और पारुल एक और चीज यहाँ पर करूं, अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे चैनल के साथ, वो आरोप बड़ी जल्दी लगाते हैं। आजकल क्या हुआ है कि एक तकिया कलाम हो गया है कि जहां आप हारते नजर आए, जहां आप सेटबैक नजर आए, जहां आप एक फ्रंट पीछे नजर आए, तो वहां पर सीधे एंकर के ऊपर आरोप लगा दो, सीधे चैनल के ऊपर आरोप लगा दो, तमाम जो आरोप है सामने वाले पर लगा दो। जब जवाब नहीं होते, जब कठिन सवाल आते हैं, जब सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो इन प्रवक्ताओं का यही हाल होता है। बिल्कुल कावेंद्र, और कावेंद्र विपक्ष का काम शायद यही हो गया है कि हंगामा करके कार्रवाई को किसी भी तरह से स्थगित करा दे, क्योंकि इसकी वानगी लोकसभा और राज्यसभा में भी देखी गई थी, किसी भी दिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया था कि वहां पर कार्रवाई जो है वो सही तरीके से हुई हो, और यही शायद विपक्ष इस बार यूपी में भी करना चाह रहा है। जी बिल्कुल, यही यूपी का हाल हो, चाहे दिल्ली की हम बात करें, कहीं भी बात करें, वहां जो बहस का मंच है जनता का वो इसी तरह का हो गया। जी चलिए कावेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आज से यूपी में विधान परिषद का में सरकार वर्सेस विपक्ष देखने के लिए मिला है और ऐसे में यूपी विधान परिषद के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर हंगामा जो है वो देखने के लिए मिला और इसीलिए लगातार विपक्षी पार्टियां हंगामा करती हुई भी सड़कों पर नजर आई हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।